दोस्तों नमस्कार। फोनपे की तरफ से एक नई अपडेट आई है। अब आप UPID के जगह पे कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। अब आप कोई भी नंबर सेट करके उस नंबर के थ्रू सीधे अपने बैंक अकाउंट में पैसे मंगा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि फोनपे में UPID के साथ नंबर सेट करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको फोनपे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको UPI सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे UPI सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बगल है UPID, एक बगल है UPI नंबर। तो हम बात करने वाले हैं UPI नंबर के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर दिस UPI नंबर विथ योर फ्रेंड टू रिसीव मनी इन योर प्राइमरी बैंक अकाउंट। यानी कि जो फोनपे में आपका बैंक अकाउंट है उसमें आपका पैसे आ जाएंगे। UPI नंबर सेट करने के लिए एड अनदर UPI नंबर है, उसके बगल में एड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी UPI नंबर सेट कर सकते हैं, 8 अंकों का या 9 अंकों का। तो चलिए हम कोई भी नंबर यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको अवेलेबल ये नंबर होगा तो यहाँ पे अवेलेबल बता दिया जाएगा। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबल होगा तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस नंबर इज अवेलेबल, तो ये नंबर अवेलेबल है। तो इस नंबर के थ्रू आप अपना बैंक का UPI नंबर सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद कंफर्म एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं UPI नंबर सेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस UPI नंबर से कोई भी पैसा भेजेगा तो सीधे मेरे फोनपे में जो बैंक अकाउंट लिंक है उसमें ये पैसा आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे भीम UPI एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे सेंड मनी पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंड मनी है, जो भी हम UPI नंबर सेट किए हैं वही UPI नंबर हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए UPI नंबर वही हम इंटर कर चुके हैं। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जो कि यहाँ पे पूरा नाम दिखाएगा और क्या खाता में मोबाइल नंबर लिंक है, कौन सा UPI लिंक है वो भी दिखाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट होगा खाते का वो भी यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद कितने पैसा भेजना चाहते हैं, 10 रुपया हम यहाँ पे भेज देते हैं। उसके बाद रिमार्क में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज आएगा और सेंड कर देंगे। और सेंड करने के बाद यहाँ पे आप अपना UPI नंबर इंटर करके राइट वाले निशान पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि तुरंत ही यह नंबर के साथ आपका जो है पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो मनी सेंड हो चुका है और सिर्फ UPI नंबर से मनी सेंड हो चुका है। आप अपने मन से कोई भी UPI नंबर बना के मनी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम फोनपे पे आपको हिस्ट्री दिखाते हैं। तो यहाँ पे फोनपे पे हम आ चुके हैं और हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 रुपया यहाँ पे हमने इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं UPI नंबर के थ्रू, जो अभी हम आपको बताए हैं कि किस तरह से यहाँ पे UPI नंबर सेट कर सकते हैं। कोई भी 8 डिजिट का या 9 डिजिट का आप UPI नंबर सेट करके पैसे मंगा भी सकते हैं और पैसे भेज भी सकते हैं। और मान चलिए इस UPI नंबर से आप पैसा नहीं मंगाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो जो भी UPI नंबर को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं उसके बगल में एक 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर जो है मेरा डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अगर हम भीम UPI एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो है डीएक्टिवेट बताएगा, पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। तो चलिए हम आपको ये भी ट्राई करके दिखा देते हैं। फिर से वही हम UPI नंबर इंटर करेंगे जो अभी हमने आपके सामने में पैसे भेज के उस UPI नंबर से दिखाया है, तो जो अभी मैंने डिसेबल कर दिया है। तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस नंबर से पैसा नहीं जाएगा क्योंकि फ़ोनपे में वो डिसेबल हो चुका है, क्योंकि उस नंबर से हम पैसा नहीं मंगाना चाहते। यहाँ पे देखिए UPI नंबर इज अनेबल, तो यहाँ पे वो वर्क अभी नहीं कर रहा है। इस तरह से UPI नंबर को कभी भी एक्टिवेट भी कर सकते हैं, कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में पूरा एक्सेस रहेगा, पूरा कंट्रोल रहेगा। फ़ोनपे में जो आप UPI नंबर बनाए हैं फिर से अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो डिसेबल होगा तो यहाँ पे एक्टिवेट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो एक्टिवेट कर सकते हैं।
और ये एक्टिवेट करने के बाद आप किसी को भी ये यूपीआई नंबर दे सकते हैं। फोन पे में यूपीआई नंबर सेट करने का ये फायदा है, आप किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से पैसे मंगा सकते हैं। अगर वो फोन पे में रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, गूगल पे में है, पेटीएम में है, अगर ये यूपीआई नंबर देते हैं वो डायरेक्टली आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये फोन पे की तरफ से अपडेट आया है। अगर ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं।